नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में चुन्ना पांडे चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया और उनका ये विवादित बयान फिलहाल सुर्खियां बटोर रहा है। और इतना ही नहीं, जैसे ही बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, इतना ही नहीं उन्हें नोटिस भेजा गया, उसके फौरन बाद वो आरजेडी के कद्दावर और पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, ये किसी एक नए सियासी संकेत की ये कोई नया सियासी संकेत दे रहा है और अब इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है आपको विस्तार से बताते हैं। नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताकर पार्टी से नोटिस पाने वाली भाजपा एमएलसी चुन्ना पांडे अचानक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलने पहुंचे। शहाबुद्दीन का पिछले दिनों कोरोना से निधन हो गया। चुन्ना पांडे ने कहा कि उनकी भी तबीयत खराब थी, जैसे ही ठीक हुए मिलने आए। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के नेता हैं और सिवान की जनता ने उन्हें चुना है, वो हमेशा जनता के साथ है। चुन्ना पांडे ने कहा कि वो ओसामा से औपचारिक मुलाकात करने गए थे। शहाबुद्दीन के परिवार से उनके अच्छे संबंध रहे, उनकी तबीयत खराब थी, जैसे ही ठीक हुए परिवार से मिलने आए। भाजपा से मिली नोटिस और राजद में जाने की संभावनाओं पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो भाजपा में हैं तो राजद में क्यों जाएंगे। इधर कुछ दिनों से चुन्ना पांडे सीएम नीतीश कुमार पर सीधे निशाना साध रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम बताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ बोलता रहूंगा, वो मेरे नेता नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं। उधर भाजपा ने एमएलसी चुन्ना पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पार्टी के अनुशासन समिति ने मुन्ना पांडे को 10 दिन से पहले इस नोटिस का जवाब देने को कहा है। पार्टी ने यह भी साफ किया है कि यदि चुन्ना पांडे का जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नीतीश पर निशाना वाले चुन्ना पांडे के ट्वीट का हवाला देते हुए जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर सवाल उठाया। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से पूछा था, यदि ऐसा ही बयान जदयू के किसी नेता ने भाजपा या किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक क्या कार्रवाई होती। तो आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं आम हो गई है। चुन्ना पांडे के विवादित बयान के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा, ऐसे में जाहिर सी बात है जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बीजेपी से ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा ही अगर किसी बीजेपी नेता के द्वारा किया गया होता तो क्या कार्रवाई होती और अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब नोटिस जारी किया जा चुका है और उसके फौरन बाद चुन्ना पांडे की मुलाकात शहाबुद्दीन के परिवार से होती है। अब जाहिर सी बात है ये कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अब फिलहाल वो राजद की राह पर आगे बढ़ने की तैयारी चुन्ना पांडे की तरफ से की जा रही है। हालांकि इन तमाम बातों पर अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण तो नहीं, लेकिन ये चर्चा का विषय बिहार के सियासी गलियारों में जरूर है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।